साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। नई सरकार को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया है। सुशील मोदी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बिहार में सियासी हलचल है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर भी जारी है। नेताओं की मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज है। जेडीयू से लेकर राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी तक हर दल एक्टिव मोड में है। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अन्य नेताओं के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है, नीतीश कुमार को लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इसे लेकर करीब करीब सहमति बन भी गई है और जानकारी तो ये भी आ रही है कि 28 तारीख को एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं और अगले 2 से 3 दिन में औपचारिक फैसले का ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सरकार गठन के संभावित फॉर्मूले पर सहमति भी करीब करीब बन गई है। लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार ही बीजेपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर सस्पेंस है। माना जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा में जेडीयू के मुकाबले बड़ी पार्टी होने के आधार पर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब कैबिनेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। जेडीयू के एनडीए में आने के बाद नई सरकार में मंत्रिमंडल विभागों को लेकर फॉर्मूला क्या रहेगा, इस पर भी करीब सहमति बन गई है। बीजेपी सूत्रों की माने तो नई कैबिनेट में भी फॉर्मूला वही होगा जो नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से ठीक पहले की एनडीए सरकार में था। मंत्रियों की संख्या से लेकर विभाग बंटवारे तक वही फॉर्मूला रहेगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के सहयोगी आरजेडी के प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट से आहत बताए जा रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश ने रोहिणी के ट्वीट को लेकर तुरंत ही जानकारी तलब की थी। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश आखिर क्यों नाराज है, क्या दूर जाने की वजह यही है। नीतीश कुमार अपनी ही कोशिशों से अस्तित्व में आए इंडिया गठबंधन से आहत है, नाराज है, दुखी है। नीतीश कुमार शीट शेयरिंग पर जल्द फैसले की वकालत करते रहे। चुनाव करीब आ चुका है, इंडिया गठबंधन में शीट शेयरिंग की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है। नीतीश इससे तो नाराज है ही, वहीं संयोजक और चेयरमैन चुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पिछली बैठक में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर भी खफा बताए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का चेयरमैन और संयोजक का नाम तय करने के लिए हुई इस बैठक में करीब करीब सहमति बन चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अभी और चर्चा की जरूरत है। नीतीश कुमार इससे नाराज है कि जब और चर्चा की जरूरत थी तब बैठक बुलाई क्यों गई, पहले पूरी चर्चा कर लेते। गठबंधन के चेयरमैन, संयोजक, संयुक्त रैलियां, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव प्रचार की संयुक्त रणनीति, गठबंधन के दफ्तर को लेकर कांग्रेस के टालने वाले रवैये को लेकर भी नाराज है। नाराज क्यों है, वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना ली है। नीतीश कुमार का मानना है कि चुनाव के समय राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि इंडिया गठबंधन के लिए। नीतीश का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आखिर क्यों शामिल होंगे। तो जो बैठकें कल रात से हम देख रहे हैं, जिसका दौर जारी है, उससे तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि 2 दिन बाद तस्वीर कुछ और नजर आ सकती है बिहार में।